सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं पहली बातें पर और आपका स्वागत है बकवास रिव्यू में। मैं हूं आरडी और ये है एजे का चक्कर। तो दोस्तों, आज हम दोनों मिलकर बताने वाले हैं आपको बहुत सारा ज्ञान, जिससे आप सुनकर देने वाले हैं हमें ढेर सारा सम्मान। क्यों? क्योंकि आज हमने सुबह सुबह जाके देखी है भागी 3। भागी नहीं रे, बागी 3। हाँ वही, जिसके लिए हमने खर्चे किए हैं 300 रुपए, 150 इनके, 150 मेरे, और मेरे ज्यादा लग गए क्योंकि मैंने 210 रुपए का एक खा लिया पॉपकॉर्न। बहुत घटिया था एक्चुअली। वो 10 रुपए अपना ट्रेन में देकर जो मिलता है ना, वो ज्यादा बेटर होता है, पर वहां मूवी देखने को नहीं मिलती ना, इसलिए ये ज्यादा चार्ज करते हैं। ये समझ में मेरे को भी नहीं आता है, हम बाहर से पॉपकॉर्न क्यों नहीं लेके जा सकते जो बाहर 10 रुपए में मिलता है। हम जाके 220 रुपए का पॉपकॉर्न खाए और मिलता क्या बाद में, पेटी तो गड़गड़ होता है। एग्जैक्टली। तो मैंने क्या सोचा है कि अगली बार जब भी मैं जाऊंगा मूवी देखने के लिए तो मैं जोर से चिल्लाने वाला हूँ, रॉनी इधर, टाइगर श्रॉफ नहीं आएगा मेरे भाई, पिक्चर फ्लॉप होने वाली है। नहीं पागल है क्या, पिक्चर फ्लॉप और हिट कब होती है, जब उसके अंदर नहीं होता एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। तो इसमें भी कहा है एक्शन तो है एक्शन। अरे बाप, अरे टाइगर भाई, टाइगर भाई क्या है, एक स्क्रिप्ट लेके आया हो? एक्टिंग करनी है? हाँ, मुझे नहीं आती। वो तो मेरे को मालूम है। हाँ? एक्शन भी है। हाँ? और उसमें आपको माँ है, माँ, आपको माँ को बचाना है। माँ? हाँ, माँ को बचाना है। हाँ, माँ को। अरे आयुष्मान क्यों बन रहे हो, नहीं होएगा तुमसे। रोनी है अभी, ये किधर गया? टाइगर, ए टाइगर, टाइगर, क्या पता संडास गया होगा शायद। चलो दोस्तों, बात करते हैं कास्टिंग बागी 3 की। एक बार फिर अच्छी कास्टिंग देखने को मिली बागी 3 में, जहां पर लीड में है ऑफ कोर्स बागी, जिसके लिए जाना जाता है टाइगर श्रॉफ, और श्रद्धा कपूर की एक बार फिर जोड़ी देखने को मिली है, जहां पर श्रद्धा कपूर में घुसी हुई थी करीना कपूर, और क्यों आगे बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों, सबसे बेस्ट रोल में अगर देखने को मिले, जहां पर एक तरफ एक्शन का पूरा कार्यभार संभाला था टाइगर श्रॉफ ने, तो वहीं कहीं ना कहीं एक्टिंग का पूरा कार्यभार संभाला था विजय वर्मा ने, जो वहां पर एक ऐसे कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं विजय वर्मा अपने, वही गली बॉय वाले, गली बॉय वाले क्या बोलते हैं बाबा, बीड़ी बीड़ी माल वाल, वही वही बराबर। ये है, बार बार आपको बताते रहेंगे कैसे आप किसको पहचान सकते हैं। वहीं कहीं ना कहीं रितेश देशमुख की एक अच्छी अदाकारी देखने को मिली है, इमोशनल टच जिसे हम कहेंगे। रितेश देशमुख थोड़े हमारे सन के हुए, जिनको कुछ भी हो गया तो चिल्ला देते रॉनी, खून आ रहा है रॉनी, चप्पल मारी रॉनी, हर बात पे रॉनी 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 रॉनी। एजे, एक आँख मारू तो चोरी कट जाए, बंकस रॉनी रॉनी रॉनी। तू इधर क्या कर रहा है? आवाज दी ना तूने? अच्छा, तू किधर भी आ जाएगा क्या? हाँ, वो क्या है, तेरा कोई धोता है ना, तो मुझसे होता नहीं है। तो ठीक है, तुम मेरा धो, मैं तेरा धोता हूँ। एजे, हाँ अच्छा ठीक है, मैं चुप बैठता हूँ। एग्जैक्टली। तो जहां पर रॉनी आ जाते थे, यहाँ पे बोलने पे ये चले जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों वही जहां पर है, दो कपल दिखा दिया गया है बहुत अच्छी तरीके से, जहां श्रद्धा कपूर टाइगर श्रॉफ के अपोजिट में है, वही रितेश देशमुख के अपोजिट में है अंकिता लोखंडे, जो कि सिया नाम से प्रचलित है उस मूवी में। सिया नाम से श्रद्धा कपूर प्रचलित है, उसकी बड़ी बहन दिखाई, नाम हमें रुचि भी पता नहीं है। रुचि, हाँ रुचि नाम है। पता चल गया, रुचि रुचि। टाइगर को क्यों नहीं हीरोइन रख लेते? वैसे भी तो उसको दाढ़ी आती नहीं है, दाढ़ी कटवा के कभी हीरोइन बन जाए, कभी दाढ़ी बढ़ा के हीरो बन जाए, एक्शन तो कर ही लेता, एक्टिंग तो वैसे भी आती नहीं है। आपकी इस बात को संसद में हम जरूर उठाएंगे। वहीं आपको मेन विलन के रूप में नजर आने वाले हैं अबू जलाल कैरेक्टर, जिसका नाम है रियल लाइफ में जमील खौरी, जो कि सीरिया के देश चलाने वालों में से दिखा है कि सीरिया को अकेले जो चला रहे वहां पे आतंकवाद जो फैला रहे। एग्जैक्टली, आईएसआईएस चीफ, और वो वही इंडिया से और पाकिस्तान से लोगों को लाते और वही पे वो उनके साथ जुलुम करते और बॉम्ब वगैरह फोड़ते, ब्लास्ट वगैरह करते, वैसा कैरेक्टर दिखाया गया। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड ही प्लेड अ वेरी गुड रोल इन दिस। एग्जैक्टली। ये मूवी का प्लॉट शुरू होता है दो भाइयों की कहानी से, जिसमें दो छोटे भाई दिखाए, एक है टाइगर श्रॉफ छोटे वाले और दूसरे वाले है रितेश देशमुख, जो कि एक फट्टू है और दूसरा बहुत भिड़ू टाइप है, जैसे कि भिड़ू देख के दादा, और दोनों को भी एक्टिंग नहीं आती है, ना ही बड़े वाले टाइगर श्रॉफ को ना ही छोटे वाले टाइगर श्रॉफ को।
ये कहना गलत होगा क्योंकि इंडस्ट्री में उन्होंने इतना टाइम काम किया है, तो मतलब जैकी श्रॉफ कुछ बोलो मत, नहीं तो मैं जैकी श्रॉफ की थोड़ी, मैं तो श्री श्री 108 टाइगर श्रॉफ की बात कर रहा हूँ। ओके, तो वो एक्शन अच्छा करता है थोड़ा। जैकी दादा अपने बेटे को भी तेल दे दीजिए, शायद से उनको भी दाढ़ी आने लगे। देंगे तेल देंगे। वही कहीं ना कहीं दोस्तों जहां पर स्टोरी ये जाता है, तो बाप एक अपने बच्चे से वचन लेता है समाज के खिलाफ जाकर। इस बार बाप बड़े बेटे से वचन नहीं लेकर छोटे बेटे से वचन लेता है कि तुम अपने बड़े भाई की रक्षा करोगे, और उस रक्षा को निभाने के लिए, उस वादे को निभाने के लिए टाइगर श्रॉफ सीरिया जैसे एक देश से भिड़ जाते हैं अकेले, अकेले अकेले। ये भी बता, ये तो सलमान खान भी ना कर पाया भाई। Exactly. वहां पे सलमान खान को बहुत पड़ी थी, लेकिन टाइगर श्रॉफ को ज्यादा नहीं पड़ी। पड़ी ही नहीं, सिर्फ लास्ट में पड़ी जो रॉड घुसा देता पेट में करके। लेकिन मैं दोस्तों एक बात, लेकिन भाई वो किस भी ऐसी दिखाई है ना फिल्म में, आज तक मैंने ऐसी कोई किस नहीं देखी। मतलब हालांकि तुमको किस दिखानी है मानी मैंने बात, ये भाई कौन सा किस हो रहा है, क्या दे रहे है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि जो श्रद्धा कपूर है ना उसको चाहिए ही रहता है। सॉरी। तो मेरा कहने का मतलब ये था दोस्तों, ये जो स्टोरी है बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं इस मूवी को एक बार हमारे भारत सरकार स्पेशली मोदी जी को देखना चाहिए। हाँ, क्योंकि मोदी जी भी सिर्फ रोनी चिल्लाए और टाइगर श्रॉफ वापस पहुंच जाए तो दोस्तों और हमारे देश का खात्मा खत्म, हमारी सेना के कई लोग बच जाएंगे। ऐसे तो दाऊद इब्राहिम भी पकड़ा जाएगा। एग्जैक्टली। वही फिर वहां पे रितेश देशमुख फिर पुलिस में भर्ती हो जाते, छोटा भाई अपने जॉब की कुर्बानी देता है क्योंकि उसके ऊपर 32 केसेस चल रहे। फिर यहाँ से रितेश देशमुख की जर्नी शुरू होती है। लेकिन जो 32 केसेस का वो दिमाग जो लगा रहा था, वो एक्चुअली केसेस नहीं था, वो चाहता था कि उसका बड़ा भाई ही पुलिस में। हाँ, जो भी रहे, बट ऐसे टाइगर श्रॉफ ने खुद का श्री श्री 108 हमने थोड़ी बोला भाई। बराबर, इससे रविशंकर जी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि उनका टाइटल किसी और को आप दे रहे, जैसे जिसकी मर्जी। एग्जैक्टली, मर्जी है, देश है, कुछ भी खुल के बोला जा सकता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था दोस्तों, डेमोक्रेसी है, मैं भी केजरीवाल का फैन हूँ, कि कहानी सब कुछ ना एकदम चलता रहता है नॉर्मल। मेन कहानी शुरू यहाँ से होती है कि जब रितेश देशमुख को सीरिया का आईएसआईएस चीफ, मैं आईएसआईएस क्यों आराम से ले रहा हूँ ताकि आईसीआईसीआई ने बोल दू, ठीक है, तो आईएसआईएस ये प्रमोशन नहीं है, ये प्रमोशन नहीं है, नहीं है कि आईएसआईएस चीफ, लोगों को लगेगा अपने को स्पॉन्सर मिला हुआ है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से, उनको लगेगा जेब वेब भर रहे ये लोग। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है भाइयों, हम उनके पैसे से पिक्चर नहीं देख रहे, हम अपने पैसे खुद खर्च कर रहे, खुद के पैसे का पॉपकॉर्न खा रहे दोस्त। और हम लोग भी ये बता चुके हैं कितनी बार, मतलब रील नहीं बनाने का, रिव्यू 7 मिनट के अंदर करना है। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था दोस्तों कि अबू जलाल जो कि है आईएसआईएस चीफ, वो कर लेता है कैद में रितेश देशमुख को, पर वो रितेश देशमुख को मारता नहीं, आईएसआईएस चीफ नहीं कैद करता है, इसे कैद करता है आईपीएल भाई। मैंने बोला था कि आपको प्रमोशन देखने को मिलेंगे ढेर सारे, सूर्यवंशी का हो गया था, आईपीएल का भी हो गया, सिम्बा का भी हुआ था और सिंघम का भी हुआ था, क्योंकि उसमें जो सतीश कौशिक जी हैं उन्होंने बहुत भारी किया है रोल। उनको पता नहीं क्या हो जाता है, वो बिना पप्पी लिए किसी के साथ फोटो ही नहीं खींचा। सबसे मेन बात इसमें शेफू जी, भाई हम भूल ही गए, इसमें शेफू जी भी है भाई, चौड़ में बोलते है भाई चाचा, एक्टिंग पता नहीं की है कि नहीं की है, समझ में आ नहीं रही है, लेकिन चाचा बने इतना पता है, इसीलिए मैं उनके बारे में नहीं बता रहा। प्रॉब्लम क्या है ना कि आजकल के जमाने में लोग दूसरे के थाली में ज्यादा मुंह मारते हैं। मेरा मानना है सेफू जी आप मिलिट्री वाला रोल अच्छा करते हैं, खाम का आप एक तो पुलिस वाले बने, ऊपर से चीचा, अरे चीचा जान, मतलब यार क्या कर रहे हो आप, आपकी मूंछ टाइट रहती है, आप यूं रहते हो, यूं रहो, यूं लगा, और ऊपर से आप पता नहीं कौन सा एक्सेंट आप यूज करने की कोशिश कर रहे थे, एक्सेंट कैसे यूज करते हैं ये आप विजय वर्मा से सीखिए, यो हैदराबादी एक्सेंट लाए ना बा, इतना सही किया है, फुल डिच्चू डिच्चू ऐसा सिखाया, बोले दिल भाग भाग, मैं गली बॉय से लिटरली उनका फैन हो चुका हूँ, और ये मूवी में देखने के बाद उनको मुझे और भी ज्यादा पसंद आया। वो एक थीफ दिखाया, एक चोर दिखाया, बट बाद में वो इतनी इतनी अच्छी तरीके से मदद करते टाइगर श्रॉफ की रितेश देशमुख तक पहुंचाने की, जो की है विक्रम चरण चतुर्वेदी की तरफ, तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। एक चीज मेरे को याद आ गया दोस्त, क्या, जैसे बजरंगी भाई जान में आए थे, वो कौन से हीरो फेमस हो गए, सलमान खान, नहीं नहीं उसके अपोजिट में,
नजाजुद्दीन क्या, हाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हाँ सॉरी नवाजुद्दीन, वहाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे, यहाँ विजय वर्मा थे, वहाँ सलमान खान थे, यहाँ पर टाइगर श्रॉफ है। वहाँ पे एक लड़का पाकिस्तान से आया था इंडिया में, उसको पहुंचाना था, यहाँ पे इंडिया वाला बच्चा पहुंचा था सीरिया और सीरिया से उसको इंडिया लाना था। वहां पे सलमान खान मार खाए, अब बदलाव देखिए स्टोरी में, वहां सलमान मार खाए। इसमें टाइगर श्रॉफ स्टार्ट से एंड तक एक भी मार नहीं खाया दोस्तों। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैंने सोचा कि अगर एक हवाई जहाज, एक हवाई जहाज के ऊपर गिरता है, उसके ऊपर एक हवाई जहाज फिर से गिरता है, हाँ। तो दोस्तों तीनों एक बराबर कैसे रह सकते। उसको तो बांध के रखा था ना, हाँ। तो टाइगर श्रॉफ के पीछे गोलियां चल रही, भाई हेलीकॉप्टर दौड़ रहे और टाइगर श्रॉफ यू खड़ा, भाई गोलियां मार रहा। सबसे बेस्ट बात, अरे मैं बताना भूल गया दोस्तों, हॉलीवुड वाले फेल हो गए। उसने तोड़ लिया हेलीकॉप्टर का गेट, दरवाजा और गोलियां चल रही, धुक धुक और दरवाजे पे ऐसा रोक लिया, हाँ। अब था लोखंड, उससे बच रहा था, लेकिन मेरी नजर पड़ी उस दरवाजे के बीच में कांच के ऊपर, और मानिए मेरी दोस्तों की हजार गोलियां चली और हजार में से एक गोली भी उस कांच को छू नहीं पाई, और शायद छुई बुलेट प्रूफ कांच होगी शायद, इसलिए भाई ओ माय गॉड। ये वो जो गेट है ना, वो मोदी जी खुद भेजे थे टाइगर श्रॉफ के लिए। एग्जैक्टली तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप पिक्चर ये देखने जा रहे हो तो आपका जो दिमाग है लॉजिक वाला, उसे घर छोड़कर जाएं। आपको इस मूवी में सिर्फ और सिर्फ एक्शन देखने को मिलेगा और एक इमोशनल टच देखने को मिलेगा, जो कि एक दो भाइयों के बीच का प्यार है। एग्जैक्टली नथिंग एल्स। मैं एक चीज बता दूं दोस्तों, चाहे ये बात संसद में उठे चाहे कहीं पे भी उठे, मैं हम लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं आपको इस मूवी का स्टोरी बताने की, पर हम अभी तक नहीं बता पा रहे आपको। इसके पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि जो लिख रहा था स्टोरी वो भी समझ नहीं पाया कि एक्शन ज्यादा रखना है, स्टोरी ज्यादा रखना है, प्यार ज्यादा रखना है, संबंध ज्यादा रखना है, या कॉमेडी डालनी है, कौन से देश को कितना दिखाना है वो समझ नहीं पाया। तो ये स्टोरी में कहीं ना कहीं कुछ चीजों की कमी है, एंड टोटली स्टोरी सब कुछ इसमें जो भी है सब कुछ है अनरियलिस्टिक। पर दोस्तों अगर एंटरटेनमेंट के नजरिए से अगर हम कहें तो इस मूवी को आप टाइगर श्रॉफ या दिशा पत्नी पटानी जो भी आप कहें, पटानी पत्नी मेरी, सॉरी टाइगर मारेगा भाई, सॉरी सॉरी भाई टाइगर भाई। अब मैं समझा कि नोरा फतेही की जगह पे दिशा पटानी को क्यों लिया गया। अच्छा अच्छा, इसलिए तो लिया है क्योंकि उसको पार्ट टू में लिया था, पार्ट थ्री में नहीं ले पाए, और उसमें भी मर जाती है, इसमें भी मर जाती है। सही बात, नहीं तो ये तो एक है कि मरना भी एक अच्छा है, जितने लोग को लिया कैरेक्टर मरने का ही लिया है। श्रद्धा कपूर ले लो, स्त्री में मर गई, अरे तो भूत दिखाई है ना स्त्री में, मरती का है, वैसे भी भूत ही दिखती है। हाँ नहीं नहीं यार, हॉट दिखती है, सॉरी श्रद्धा, आई लव यू, आई लव यू, एक्सक्यूज मी, आई लव यू, मेंशन सरनेम एज वेल, सॉरी कपूर। हाँ नहीं तो न जाने कितनी श्रद्धा ये वीडियो देखेंगी और फिर वायरल प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा मूवी का प्लॉट, जो अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ, मूवी देखिए। लेकिन एक चीज कहूंगा कि मूवी देखकर आपको विजय वर्मा बहुत ज्यादा इंप्रेस करने वाले, बट मैं तो कहूंगा कि मत देखो क्योंकि पैसे बर्बाद है और आपको सिर्फ और सिर्फ एक्शन देखने को मिलेगा एंड नथिंग एल्स। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस चीज को सीखने के लिए टाइगर श्रॉफ ने खुद खर्चा किया, एक्शन सीखने के लिए वो इतना सारा पैसा दिया, अब क्या वो एक्शन आपको दिखा के पैसा भी ना ले क्या? ऐसे तो आप भाई गलत बता रहे हो, अपने से पैसे वसूल कर रहे जो उन्होंने भरे थे ना फीस। तो भाई बाहर जाके जब मदारी आता है, जंप जंप पुल दिखाता है, तो पैसा नहीं लेते हैं आप? नहीं लेते ना, लेते, सॉरी लेते, देते हैं ना, देते हैं, तो ये वही कर रहा है बस। तो मूवी पूरा यही है दोस्तों। हाँ तो डायरेक्शन में मैं इतना कहना चाहूंगा कि डायरेक्शन के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस लोगों से इतना मैं निवेदन करना चाहूंगा हाथ जोड़ के, जो कि होना चाहिए जनहित में जारी, कि फिर न देना मौका जो आए अमजद खान की बारी, क्योंकि उसने वही लिया है, उसको ही लिया है जिसको एक्टिंग आती नहीं है और इनको भी डायरेक्शन आती नहीं। किसी ने सही कहा है कि जो जिस भांति प्रजाति का होता है उसके साथ ज्यादा उसकी लगती है, अच्छी लगती है, अच्छी नहीं लगती, मतलब जोड़ी जम जाती है, जोड़ी जम जाती है। पर दोस्तों मैं यहाँ पर, ये कोई प्रमोशन नहीं है दोस्तों, पर हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी रियलिटी शो के प्रोड्यूसर से कि कृपया करके रियलिटी शो लाइक डांस इंडिया डांस, जितने भी डांसिंग रियलिटी शो है उन्हें चालू रखे, एक्टिंग का भी रखिए आप चालू, और उसमें अमजद खान को बुलाइए ताकि उन्हें ये महसूस ना हो कि उनकी रोजी रोटी नहीं चल पा रही है, ताकि वो किसी और का रोजी रोटी। और भाई साहब उनका अमजद खान भी अहमद खान है। सॉरी दोस्त, ये वही हो जाता है, ये वही होता है कि जब तुमको वो चीज नहीं आ रही है, तुमसे गलती हो रही है, वही हमसे भी हो रही है।
है क्या दोनों ती और बता दो तो कि इनका कहने का साफ साफ मतलब यही है कि भाई आप कोरियोग्राफी करें, आप डायरेक्शन में ना घुसे और अच्छा डायरेक्शन करने के लिए संजय लीला बंसाली है, रोहित शेट्टी है, बस हो गए। कभी कभी करण जोहर भी कर लेते हैं। एग्जैक्टली, करण जोहर तो बहुत कुछ कर लेते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था दोस्तों, उल्टा लेट लेते, उल्टा लेट लेते। हाँ, ये भी सब जो है सब कर लेते हैं भाई, इंडस्ट्री है यहाँ तो सब कुछ हो जाता है। द लाइक अबाउट द फिल्म इज जस्ट एन एक्शन। इस फिल्म में आपको एक्शन बहुत सारा दिखेगा, वही बात बात पे, छोटे छोटे मूवमेंट्स पे भी एक्शन है। पांच पांच दस दस मिनट के बाद आपको एक्शन मूवी देखने को ही मिलेगी सीन बहुत सारे। तो दैट्स ऑल। इट्स लाइक अबाउट दिस मूवी, यू कैन नॉट यूज योर लॉजिकल सेंस। Yes. तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नीचे देखोगे तो बेल आइकन एक रहेगा, उसको घंटा बजा देना, बजाने की तो आदत है। लाल बटन रहेगा, उसको सब्सक्राइब कर देना। और ये है एजे का चक्कर, मैं हूँ आरडी। आप जा सकते हो इंस्टाग्राम पे, हमको कर सकते हो फॉलो, और हमारी पूरी टीम की डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन्हें भी फॉलो करो। क्यों पता है आपको? BTS वहीं मिलेंगे। बकवास रिव्यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।